हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास सिक्स का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका इन टीचर्स यानी पूर्णांक। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हम सीख चुके हैं पूर्णांक के बारे में। इंटीजर क्या होते हैं ये सबको पता है भाई। उसमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य इंक्लूड होता है। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं ये भी हम अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, ये कर चुके हैं बच्चों सारी चीजें हम। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। देख पा रहे हैं सब बच्चे? इस क्वेश्चन में क्या है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ फाइव प्लेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ ईयर। तो यहाँ पे नीचे लिस्ट दी गई है, ठीक है। लिस्ट दी गई है तापमान की अलग अलग जगह पे, जैसे सियाचिन। सियाचिन में 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे कितना, 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि कितना टेम्परेचर है। नीचे देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, ठीक है। ये कुछ तापमान है, यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद में 30 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस, और दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे दिए हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। यहाँ पे सामने खाली स्थान दिए हैं, तो क्या बोला गया है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्थान पे आपको भरने हैं, ठीक है। ये रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं, तो पूर्णांकों के रूप में ऐसे लिखे गए हैं, ऐसे नहीं लिखने, आपको पूर्णांक के रूप में लिखना है। मैं बता देता हूं पूर्णांक के रूप में आप कैसे लिखेंगे। अब सोचिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर दिया है और बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस से कितना कम, बिलो मतलब कम है ना, नीचे। तो 0 डिग्री सेल्सियस से कितना नीचे है, 10 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अगर कम है, अगर कम है तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए है ना, 0 में से 10, तभी तो कम आएगा। कितना है, -10 आ जाएगा, तो ये टेम्परेचर होगा है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका जिक्र हो रहा है। ऐसे करके बाकी के जो आपको प्लेसेस दिए गए हैं, जैसे सियाचिन में तो हमें पता लग गया -10 डिग्री है, लेकिन बाकी जगह भी आपको तापमान दिए गए हैं वो लिखने हैं। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व करेंगे पहला पार्ट इसका। तो बच्चों आंसर आपका आया होगा, जिसका भी आंसर आया है जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है शिमला की, मुझे बताइए शिमला में कितना तापमान होगा।
डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब 10 डिग्री था 0 डिग्री से नीचे तो -10 लिखा था, अब ये तो 2 डिग्री है 0 से, मतलब -2 डिग्री हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद आता है अबाव, है ना, कितना अबाव, 30 डिग्री अबाव 0, जब 0 से ऊपर है तो पॉजिटिव होना चाहिए प्लस 30 डिग्री, है ना, और 20 डिग्री है तो प्लस 20 डिग्री होना चाहिए, और 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री है, है ना, कितना है, 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री श्रीनगर में है तो ये माइनस हो जाएगा, जहां पे बिलो आ जाए ना बच्चों, बिलो मतलब नीचे कम, तो 0 से कम तो नेगेटिव हो जाता है और 0 से अधिक पॉजिटिव हो जाता है, यही सीखा था ना हमने, नंबर लाइन पे भी जब रिप्रेजेंट करते थे तो क्या बताया था मैंने, 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव यानी छोटे नंबर आएंगे, है ना, और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, तो जो 0 से बड़े होते हैं वो राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0 से छोटे मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे 0 से छोटे मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है और 0 से बड़े हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखिए दूसरा भाग सॉल्व करना है आपको। क्या बोला गया है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस। तो नीचे देखिए ध्यान से, ये संख्या रेखा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तापमान दिए गए हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में तापमान दिए गए हैं, ध्यान से देखिए, आपको 0 के बाद सीधा 5 है, फिर 10 15 20 25 30 ऐसे 40 तक है, और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो -5 -10 ऐसे करके -25 तक रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब फॉर एग्जांपल सियाचिन का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसको इस नंबर लाइन पे -10 डिग्री कहाँ पे है, -10 कहाँ पे है, वहां पे आपको लिखना है सियाचिन, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करना, यही बोला गया है, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है, उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमान के संगत अंकित कीजिए, तो जितना तापमान है जैसे -10 आपको देख पा रहे हैं तो -10 पे कौन सी जगह है, सियाचिन, तो -10 के साथ लिखना है आपको सियाचिन, ऐसे करके सभी जो भी प्लेसेस हैं, शिमला है, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, तो जो इनके टेम्परेचर यहाँ पे हमने लिखे हैं उनको नंबर लाइन पे दर्शाना है, इजी है, तो फटाफट नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये जरूर कर लिया होगा। चलिए हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे हम, ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अब ये जो नंबर लाइन है इस पे आप नंबर्स लिखेंगे, ठीक है, नंबर्स कहां से कहां तक लिखने हैं, देखिए 0 से 40 तक यहां पे जा रहे हैं, तो इसके आप
तरीके देंगे, ये मान लीजिए जीरो हो गए यहाँ पे, ठीक है। थर्टी फाइव तक इनफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो इससे ऊपर नहीं है। चलिए फिर हम लिखते हैं माइनस साइड में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके टेम्परेचर क्या क्या है, नेगेटिव माइनस 10 है ना, और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो प्लस 30 है ना, यही है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सियाचिन, सियाचिन कहाँ पे है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस 10 डिग्री कहाँ पे है, ये रहा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सियाचिन, ठीक है, ये हो गया सीएच, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं बच्चों। उसके बाद कौन सा है, शिमला, तो शिमला माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो माइनस 2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है, यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा है माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो एक काम करेंगे बच्चों, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके जो पार्टीशन है वो कर देंगे, ठीक है। कैसे, ये जीरो है, जीरो के बाद क्या होना चाहिए, माइनस 1, फिर माइनस 2, फिर माइनस 3, फिर माइनस 4 और फिर माइनस 5, ऐसे ही तो होना चाहिए। यहाँ पे माइनस 1 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे माइनस 4 और फिर माइनस 5, ऐसे ही तो होता है। तो माइनस 2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है मुझे तो माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 किसका था, शिमला, तो यहां पे लिखेंगे आप शिमला और टेम्परेचर कितना है, माइनस 2, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। और देखिए शिमला के बाद है अहमदाबाद, अहमदाबाद में 30 डिग्री सेल्सियस है, तो चलिए अहमदाबाद को रिप्रेजेंट करेंगे हम कहां पे, यहां पे दिख रहा है तो लिखेंगे आप अहमदाबाद, यही है, तो हम अहमदाबाद का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आ गया अहमदाबाद का। उसके बाद क्या है, दिल्ली, दिल्ली का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो दिल्ली का भी लिख देंगे फटाफट, 20 डिग्री यहाँ पे है तो आप लिखेंगे दिल्ली और ये हो गया 20 डिग्री। उसके बाद और क्या है, श्रीनगर माइनस 5 डिग्री है, तो फटाफट श्रीनगर का लिख दीजिए माइनस 5 डिग्री, यहाँ पे है माइनस 5 डिग्री, तो ये हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं आपको ये सारे टेम्परेचर, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन, आगे देखिए अगला पार्ट इसका क्या है, पार्ट सी, इसमें बोला गया है विच इज द कूलेस्ट प्लेस, मतलब कौन सा स्थान सबसे ठंडा है,
तो आप मुझे बताइए कि स्थान ठंडा कब होता है और गर्म कब होता है। जब तापमान की बात आती है तो ठंडा किस डायरेक्शन में होता जाता है और गर्म किस डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे मान लीजिए गर्मियां आती हैं तो आपको तापमान दिखता होगा, है ना। तो गर्मियों में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। और ठंडियों में तापमान कम हो जाता है। तो क्या समझ में आया कि जब जब तापमान घटता है, कम होता है, तो ठंडा पड़ता है ना। यही होता है, ठंड पड़ती है तापमान घटने पे। तो आपको बताना है सबसे ठंडी जगह कौन सी है। यहाँ पे जहां का तापमान सबसे कम होगा वही होगी सबसे ठंडी जगह। यहाँ पे वैसे तो देखते ही पता लग जाएगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आपको नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट में देखना है कौन सी जगह है। जो सबसे लेफ्ट में होगी वही सबसे ठंडी होगी, उसी का तापमान सबसे कम होगा। क्या है, सियाचिन। लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सियाचिन, है ना। सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा स्थान सियाचिन है। ठीक है, आखिरी वाला देखिए, लास्ट पार्ट क्या है। राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। यानी उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो कौन से हैं जगह वो, ये दोनों दिख रहे हैं साफ साफ। क्या है, अहमदाबाद, लिख लीजिए अहमदाबाद, एंड दिल्ली। ठीक है, अहमदाबाद और दिल्ली ऐसे दो स्थान हैं जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। सारे आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। देखिए, सी पार्ट का ये है, बी का आंसर ये है, और ए के तो यहाँ पे फिल कर दिए हैं, और पार्ट बी का जो नेक्स्ट स्लाइड में करवाया था वो। ठीक है, तो पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट लगता है आपको पूछ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों क्लियर है, ये समझ में आ गया। आगे करते हैं अगला सवाल, ध्यान पूर्वक देखेंगे सब बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो यहां पे युग्म दिया है, जोड़ा दिया है नंबरों का, और इन दोनों में से अगर नंबर लाइन पे इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई ना कोई तो लेफ्ट साइड में होगा किसी दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, मैं बोलता हूँ भाई साथ साथ खड़े हो जाओ, है ना। तो कोई ना कोई तो लेफ्ट में खड़ा होगा, है ना, और कोई किसी के राइट में खड़ा होगा, ये तो होगा ही। तो बस यही चीज नंबर लाइन पे है, अगर दो नंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई एक नंबर ऐसा होगा जो लेफ्ट की साइड होगा। तो नंबर लाइन पर आइए फिर देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको नंबर्स प्लॉट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2। देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बच्चों के सामने आता है वो आता है कि नंबर लाइन पे नंबर कहाँ तक लिखने हैं जी, है ना। तो ये आपको यहां से देख के पता लग जाएगा, बस उसके आसपास तक लिख लीजिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 2 और 9 दोनों धनात्मक पूर्णांक है ना, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो पॉजिटिव सबसे बड़ा 9 है, तो 9 के आसपास तक जाएगा, 10 तक, 11 तक, कहीं तक लिख लीजिए आप, है ना। और एक दो नेगेटिव
नंबर्स रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि नंबर लाइन हमारी दिख जाए, दर्शा सके हम। अब देखिए यहाँ पे दो कहाँ पे दिख रहे हैं, रिप्रेजेंट करने हैं ये नंबर, तो ये रहा दो हेयर है ना, और ये रहा नौ, दिख गया ठीक है। अब एक बार सोच के देखिए कि कौन सा किसके लेफ्ट में है, कौन सा किसके राइट में है, और फिर आप बताएंगे। तो बच्चों समझ में आया कॉन्सेप्ट? देखिए लेफ्ट राइट का, सबसे पहले तो आप लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझिए, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। देखिए अगर आप ऐसे खड़े होंगे, ऐसे हाथ करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये मेरा राइट हैंड है ना, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, क्लियर है। अब मैं करूंगा यहाँ को फेस, ठीक है, देख रहे हैं ये कौन सा है मेरा राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। ध्यान दीजिए मैंने फेस इधर कर लिया तो ये राइट हैंड है, है ना, इधर करूंगा तो ये राइट हैंड, ये वाला हाथ यहाँ आ गया। अगर मैं कहीं भी घूमूंगा तो मेरा राइट हैंड तो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा किसके राइट में है, दो संख्याएं हैं, एक दो है एक नौ है ना, तो अगर मैं दो को देखूं, दो से हम चलेंगे राइट की ओर है ना, राइट की ओर चल रहे हैं हम। देखिए ये मेरा राइट है और ये दो है, तो मेरे लेफ्ट हाथ की तरफ तो दो पड़ रहा है, राइट हाथ की तरफ नो पड़ रहा है ना, तो नो इज टुवर्ड्स राइट है ना, नाइन इज टू द राइट। बस इस तरह से आपको फिगर आउट करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए बहुत सारे आपको इंटीजर्स दिए हैं, कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने के अपने होमवर्क में, काफी सिंपल है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं, तो बस ये जो क्वेश्चन है इनको प्रैक्टिस करते रहें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।